हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा रिलेशन का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर तक हमने डिटेल में थ्योरी पोर्शन को कवर कर चुके थे। तो आज के लेक्चर ऑनवर्ड्स अपन जो हमारा लास्ट लेक्चर का बेसिक रिलेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड देन हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशन, वो वाले टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले उससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक एक आध दो डेफिनेशन आपको बताता हूँ। कॉन्स्टेंट रिलेशन क्या है? देखो, कॉन्स्टेंट रिलेशन मतलब आप समझते ही हो कि डोमेन में कितना भी एलिमेंट्स मैं ले लूँ, उनका जो इमेज आएगा, दैट इज़ आउटपुट जो निकलेगा, वो हमेशा यूनिक होगा। अगर x का वैल्यू 1 लेते हो तो भी जो आउटपुट आएगा, 2 लेते हो वही आउटपुट आएगा, 3 लेते हो वही आउटपुट आएगा, सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है कि भाई अगर मैं ये बात करूँ कि सर डोमेन में अपन कितना भी इनपुट ले ले, अगर उनका इमेज जो है वो अगर यूनिक है तो वो कांस्टेंट रिलेशन है। वही लिखा गया है, रिलेशन आर कॉलोन ए टू बी इज कॉल्ड ए कांस्टेंट रिलेशन इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, दैट इज ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का बात कर रहा है, आर रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी। ठीक है ना, मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट होगा। बात समझ में आया ना, बाकी एलिमेंट से वो रिलेट नहीं होगा। तो ये तो पूरा पूरा हम कोडोमेन बोलते हैं, दैट इज द एंटायर आउटपुट, बट जो ओरिजिनल आउटपुट होता है, जो इमेज आ रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन। ये है आपका डोमेन, ये है आपका कोडोमेन, और डोमेन का जो आउटपुट निकला है वो है रेंज। तो अगर यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स नहीं होता तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता, बट अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ आप फंक्शन में जाके और डिटेल में समझेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये तो मेरा एक ही आउटपुट आ रहा है कॉन्स्टेंट रिलेशन में, तो रेंज जो होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर रेंज सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसी रेंज सेट को हम क्या बोल सकते हैं, एक सिंगल टन सेट बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट रिलेशन में रेंज सेट जो होगा वो हमेशा एक सिंगल टन सेट होगा। ये बात याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर, बात समझ आ रहा है? ठीक बात है। और डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये सब के बीच का बेसिक डिफरेंस आप समझ ही गए। डोमेन मतलब जो इनपुट वाला सेगमेंट है, इनपुट है ना, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है वो है रेंज, एंड द एंटायर टोटल आउटपुट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज योर कोडोमेन। बात समझ आ रहा है? क्लियर है। तो एक आध एग्जाम्पल भी लिखा गया है, देख लीजिए, है ना। एक्स एक नेचुरल नंबर है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है सेट को, जहाँ पे एक्स 11 से छोटा है। एक्स अगर 11 से छोटा है, 11 के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो नेचुरल नंबर कौन कौन सा पॉसिबल है, 1 से लेकर के 10 तक होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और आर एक रिलेशन है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है वो ए सेट से आ रहा है, दैट इज डोमेन आपका सेट ए है, इज एन ऑड नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू 1। ठीक है ना, x is an odd number and y belongs to 1. तो ये वाला रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, x is an odd number, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये 3 odd है, और y कौन कौन है, y है सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो x को आप कोई भी odd number ले लीजिए और हर जगह पे जो सेकेंड एलिमेंट होगा ordered pair का, उस जगह पे y आएगा, और वो y कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि y 1 बोल दिया। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का एलिमेंट हो गया, रिलेशन जो सेट होगा उसका, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ऑब्वियसली, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। बट मुद्दे का बात यह है कि भाई देखो आप कि सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो रेंज सेट का एलिमेंट आने वाला था वो यूनिक है, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा रिलेशन है, कॉन्स्टेंट रिलेशन है, क्योंकि रेंज सेट सिर्फ 1 को कंटेन करेगा, दैट इज रेंज। डोमेन ऑफ आर का अगर मैं बात करूं तब तो वो 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू a है ना, अच्छा, और रेंज सेट का अगर मैं बात करूं तो रेंज सेट में क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, जो कि एक सिंगल टन सेट है। क्लियर है, तो ये एक कॉन्स्टेंट रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो एग्जाम्पल के साथ पूरा चीज को आप याद कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डिफाइन कॉन्स्टेंट रिलेशन विद एन एग्जाम्पल।
ठीक है, ये भी बिल्कुल बोला जा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट में डालूंगा ऐसे क्वेश्चंस, आगे भी आपको मिलेगा। आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन को ही वॉइड रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर कांस्टेंट रिलेशन, ये सब का डेफिनेशन जब भी मैं पूछता हूँ ना, तो बच्चा गड़बड़ हो जाता है, उसको वो लिख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो रीड नहीं करता है। जब वो पढ़ रहा होता है तो ऊपर ऊपर पढ़ के चला जाता है वो सिर्फ क्वेश्चन करके। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स का जैसे नोट्स बना के दे रहा हूँ, ए टू जेड स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से आपको टेस्ट में सब कुछ पूछा जाएगा, एक एक चीज़। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें चाहे वो थ्योरेटिकल हो या ज्यादा न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल बेस्ड हो, बट आपको जो है आपको ए टू जेड जो भी आपका नोट्स में वो प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। देन आपका क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज में जो भी है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। बट इतना तो आपको करना चाहिए चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया काम। और दो रिलेशन इक्वल कब होगा भाई? दो रिलेशन इक्वल तभी होगा जब उन दोनों का डोमेन सेम होगा। क्या होगा? सबसे पहला कंडीशन, दोनों का डोमेन सेम होगा। फिर क्या लिखा गया यहाँ पे? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब क्या ये एफ एक्स और जी एक्स का मतलब क्या? एफ एक्स और जी एक्स का मतलब ये रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन मतलब क्या? कि डोमेन के सारे एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया दैट इज रेंज का बात कर रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली इतना सा याद रखो कि दो रिलेशन इक्वल तभी होगा जब उन दोनों का डोमेन भी इक्वल होंगे और रेंज भी इक्वल होंगे। बट फंक्शन में ऐसा बात नहीं है, फंक्शन में ग्राफ का कंसेप्ट भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना। रिलेशन का अगर हम बात कर, देखो रिलेशन भी कंटिन्यूअस हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बात समझ में आया ना? तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। बात समझ में आया ना? सिर्फ डोमेन और रेंज इक्वल बोल देने से भी ये गड़बड़ हो जाएगा। रिलेशन का अगर मैं बात करूँ ना, तो भी अगर आप ऐसे ना लिख के सिर्फ डोमेन और रेंज इक्वल लिख दोगे कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी और रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? मैं आपको बताऊँ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक रिलेशन है ऐसे आर वन, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक रिलेशन है आर वन, मान लीजिए ऐसे है वो, क्या बोलो आपको, 1 5, ठीक है, 2 4, 3 3, 4 2 5 1, ठीक है। और दूसरा रिलेशन है मान लीजिए, दूसरा रिलेशन है मान लीजिए 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, ठीक है। 3 3 मान लीजिए, 4 के साथ 2 ही मान लीजिए, और 5 के साथ 1 भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं डोमेन का बात करूं डी ऑफ आर वन का, तो बिल्कुल आपके पास 1 से लेकर के 5 तक मिलेगा। इसका अगर मैं रेंज का बात करूं, तो भी आपको 1 से लेकर के 5 तक मिलेगा। इसका अगर मैं डोमेन का बात करूं, तो भी आपको 1 से 5 तक मिलेगा। और इसका अगर मैं रेंज का बात करूं, तो भी आपको 1 से 5 तक मिलेगा। तो डी ऑफ आर वन इक्वल टू डी ऑफ आर टू और आर ऑफ आर वन इक्वल टू आर ऑफ आर टू, ठीक है। ये तो हो गया ना। तो क्या इन दोनों को मैं इक्वल रिलेशन बोल दूंगा? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का जो एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? देखो आप दोनों का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, क्योंकि डोमेन तो ये 5 एलिमेंट ही है, ठीक है ना। अगर मैं आर वन का बात करूँ, तो आर वन को मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। देखो ये 5 आया, फिर ये 4 आया, फिर ये 3 आया, फिर ये 2 आया, फिर ये 1 आया, ऐसे गया आर वन का ग्राफ। बट आर टू का जो ग्राफ है उसको ज़रा ध्यान से देखिए, 1 पे क्या आ गया, 4 आ गया, 2 पे क्या आ गया, 5 आ गया, फिर ये तीनों सेम है। तो ब्लैक वाला ग्राफ और ब्लू वाला ग्राफ तो सेम नहीं है ना, इन जगह पे तो डिफरेंसेस आ रहा है ना। अगर इन जगह पे डिफरेंसेस आ रहा है, तो भी मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों रिलेशन आइडेंटिकल नहीं होगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? तो वही चीज आप समझिएगा, एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू वन अगर मैं कंसिडर करूं, तो एक्स इक्वल टू वन पे एफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा होगा, जी एक्स का भी सेम वैल्यू आ रहा होगा। मतलब एक्स इक्वल टू वन पे यहां पे अगर 5 आ रहा है, तो यहां पे भी 5 आना पड़ेगा, यहां पे 4 आने से नहीं चलेगा,
अगर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 हो गया, तो रेंज में तो मेंटेन हो गया चीजें, रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आया। आप समझ पा रहे हो ना, रेंज तो मेंटेन हो गया, पांचों के पांचों एलिमेंट आ गया आगे पीछे हो करके, बट एक्स इक्वल टू 1 पे दोनों का वैल्यू तो डिफर कर गया ना, उसके वजह से ग्राफ अलग अलग हो जाएगा। अगर ग्राफ अलग अलग हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, समझ आ रहा है ना, क्लियर है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज लिखना जरूरी है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल है। बात समझ में आया, ठीक है, वो एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है ना। इस चीज का मतलब ये है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, बट रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी का मतलब ये नहीं है, जो आप समझ रहे हो इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अगर मैं बोलूं दोनों का रेंज इक्वल है तो बिल्कुल सही है, बट इसका मतलब क्या दोनों एग्जैक्टली सेम हो गया, नहीं। बट अगर दोनों एग्जैक्टली सेम होता है तो दोनों का रेंज भी सेम होगा। तो अगर डोमेन के साथ साथ आप यहां पर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, पहले मैं बता रहा हूं। ये सब चीजें लोगों को पता नहीं होता है, समझ रहे हो ना, और गलत कर देता है फटाफट, ठीक है, फटाफट गलत करता है, ऊपर ऊपर चीजों को सीखने का कोशिश करता है, ये सब कंसेप्चुअल चीजों को ध्यान नहीं देता है तो गलत हो जाता है उनका, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान से आप समझिएगा कि एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन का मतलब क्या है, ठीक है। यहां पे अगर आप रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी है, बट मैं क्या बोल रहा हूं मेरा पॉइंट को समझना। अगर मैं रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी यहां पे लिख देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं निकल रहा है ना कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, नहीं आ रहा है। बट अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन लिख देते हो तो उसके अंदर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी वाला कंडीशन तो इंक्लूड हो गया ना, उसके अंदर कोई डिफरेंसेस आएगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पे रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी आपने लिख दिए तो आपका नंबर पूरा कटा जाएगा, आप इस चीज को ध्यान से समझ जाइएगा, क्लियर है, बात समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ रिलेशन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि दो रिलेशन इक्वल तभी हो पाएगा जब दोनों का डोमेन इक्वल होगा और दोनों का रेंज इक्वल होगा। बट रेंज इक्वल होने के साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। और अगर आप ये डायरेक्टली लिख देते हो तब तो रेंज के बारे में लिखने का जरूरत ही नहीं है, बट अगर सिर्फ रेंज लिख के चले जाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेंज लिखने से इस प्रकार के कंट्राडिक्शन आ जाएगा, इसको आप जरूर नोट करके रखिएगा जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कंट्राडिक्शन के लिए। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया ये टॉपिक, आप अच्छे से इसको अपना नोट्स में ऐड कर दीजिएगा एंड उसके बाद ही जा करके आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप प्रॉपरली नोट्स बना लीजिएगा, अपन चलते उधर क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिया बेसिक रिलेशन के ऊपर और वही क्वेश्चंस अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा प्रॉपरली, ए बी दो सेट दिया हुआ है ना, एक रिलेशन है ए से बी पे, डिफाइंड एज ए आर बी इफ ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर where A belongs to capital A and B belongs to capital B. Now, write R in roster form. R को roster form में लिखना है, बिल्कुल सही। चलिए देखते, आपको बोला गया है A एक, हर क्वेश्चन में मैं लिखूंगा नहीं अननेसेसरी कि कैसे लिखते हैं बोला, ठीक है। ए सेट ये दिया है और बी सेट एक और आपके पास दिया गया है 4, 6, 9, 10, 11, 4, 6, 9, 10, 11, ठीक है। तो वी हैव ए बराबर दिस एंड बी बराबर दैट, क्लियर। चलो विथ टू सेट्स ए रिलेशन आर कॉलोन ए टू बी इज डिफाइंड एज ए आर बी इफ ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर। अच्छा, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आपको रिलेशन आर को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन आर जो होगा वो ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 × 5 = 25। तो उनमें से जो जो ऑर्डर्ड पेयर में आपको ऐसा लगता है कि ए और बी हैव ए कॉमन फैक्टर, उन ऑर्डर्ड पेयर को पिक कर लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 को पहले फिक्स करता हूँ तो 2 के साथ कौन कौन आ सकता है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो 2 के साथ कौन कौन आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे 2.4, 2.6, 2.10 आ सकता है, फिर 3 के साथ ऑब्वियसली 6 आएगा, 9 भी आ सकता है, फिर 4 के साथ सिर्फ 4 ही आ सकता है, 6, 9, 10, 11 कोई भी 4 का कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसमें 5 के साथ सिर्फ और सिर्फ 10 आ सकता है, और 6 के साथ सिर्फ 6 ही आ सकता है। तो ये हो गया आपका रिलेशन R जो कि रोस्टर फॉर्म में है। बात समझ में आया ना, ठीक है ना, क्लियर है। और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिखोगे a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू सेट a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट b एंड वेयर a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर, हैव अ कॉमन फैक्टर, यही हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, इनवर्स रिलेशन निकालिए, उनका डोमेन रेंज भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, जो रिलेशन है उनका सारे ऑर्डर पेयर का पहला सेट एलिमेंट्स को देख लो, कौन कौन आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो जो ए सेट है वही हो जाएगा आपका डोमेन सेट ए, ठीक है, और वही हो जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स। और रेंज ऑफ आर का अगर मैं बात करूं तो सारे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट देख लीजिए, 4, 6, 10 आया, 9 आया, 4, 6, 10 आया, 9 आया, 11 कहीं पे नहीं आया, तो 4 तो पूरा पूरा नहीं आया, आप समझ गए होंगे, 4, 6, 9, 10 आया, ये हो, इसको मैं बी के इक्वल नहीं लिख सकता क्योंकि बी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कोडोमेन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये बी बी के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर आना, अगर किसी क्वेश्चन में फ्रेम करता है उस तरीके से तो वो आ भी सकता है बी के इक्वल, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेंज कभी कोडोमेन के इक्वल नहीं आ सकता है, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो भी सकता है या फिर उससे छोटा होगा, बट रेंज कभी कोडोमेन को एक्सीड नहीं कर सकता है, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी चीज को डोमेन ऑफ आर इनवर्स का नाम से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बोला बात समझ में आया ना। और आर इनवर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, आर इनवर्स हो जाएगा सारे ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दीजिए, 10, 2, 6, 3, 9, 3, 4, 4, 10, 5, 6, 6, ये हो जाएगा आर इनवर्स, है ना। और अगर सेट बिल्डर में लिखना है तो बी कॉमा ए कर देना, बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू हाँ कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वेयर ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बोला बस 4, 6, 10, 9 बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट द रिलेशन बाय मैट्रिक्स टेबल एंड ग्राफ, ठीक है। तो मैट्रिक्स टेबल बनाना है और ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये तो रेंज ऑफ आर इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये तो प्रूफ हो ही गया ऑलरेडी, फोर्थ पार्ट तो इसी में आ गया, इसको मैं और वापस क्या दिखाऊ, दिखाने का कुछ है ही नहीं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो वापस रोमन फोर दे करके यही चीज लिख दीजिएगा अच्छे से इलेबोरेट करके, और कुछ लिखने का तो खास है ही नहीं। ग्राफ बना देते, एक तो मैट्रिक्स टेबल बनाना है आर, रिलेशन आर का, चलिए। तो अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स टेबल में सबसे पहले ए कॉमा बी आएगा ना, इधर ए डाल देते इधर बी डाल देते, तो बी के एलिमेंट्स कौन कौन है, बी के एलिमेंट्स कौन कौन है भाई, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ना पूरा पूरा, तो इधर आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, इधर 4, 6, 9, 10, 11, 4, 6, 9, 10, 11, रोज खींच लो ऐसे, फिर ऐसे कॉलम खींच लो, तो 4, 2 क्या प्रेजेंट है रिलेशन में, नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अरे यार मैं उल्टा कर दिया, इधर B और इधर A आना चाहिए था, अरे ये तो R इनवर्स का मैट्रिक्स टेबल हो गया ना। डोमेन को हमेशा वर्टिकली डालोगे और रेंज वाली चीज को हॉरिजॉन्टली,
बी कितना आएगा, 4, 6, 9, 10, 11, और इधर 2, 3, 4, 5, 6। टू फोर है क्या रिलेशन में, है तो वन, 2, 6 है वन, ये नहीं है ये है, ये नहीं है ये नहीं है ये है, ये नहीं है ये है ये नहीं है, ऐसे ही कर लेना यार। 1 0 1 0 1 0, मेरे को पसंद नहीं है ये सब करना, अब कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ज़ीरो लगा दीजिए, है ना, इधर डोमेन लिख दीजिए, इधर कोडोमेन के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 4, 6, 9, 10, 11, और यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला एलिमेंट कौन है, 2,4, फिर दूसरा 2,6, फिर तीसरा 2,10, फिर चौथा 3,6, फिर 3,9, फिर 4,4, फिर 5,10, फिर 6,6, ख़त्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो 8 डॉट आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, उसी को आप शीट का अगर लैटिस खींच दोगे तो ये लैटिस डायग्राम भी बन जाएगा। ग्राफ और लैटिस डायग्राम के बीच में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब इजी पार्ट ही है, ये सब क्या करें। हो गया सॉल्यूशन, आप प्रॉपरली बना लीजिएगा कॉपी में, मैं इरेज कर रहा हूँ। नंबर 2 क्वेश्चन में चल रहा हूँ। नंबर 2 पे बोला जा रहा है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, एक रिलेशन है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड एक्स इज अ प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स वाई विदाउट रिमाइंडर। अच्छा, एक्स एक प्राइम नंबर है ए सेट के अंदर, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है ना, वाई बिलोंग्स टू बी, तो एक्स एक प्राइम नंबर है, तो कौन कौन हो सकता है, 2, 3, 5 हो सकता है, दैट डिवाइड्स वाई। तो ऑब्वियसली रिलेशन जो होगा वो कौन कौन होगा, अगर एक्स को 2 मान लिया तो वाई कौन कौन हो सकता है, विदाउट एनी रिमाइंडर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल होना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। फिर एक्स को अगर मैं 3 मान लेता हूँ तो वाई 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर एक्स को 5 मान लिया तो वाई सिर्फ 10 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 6 के 6 एलिमेंट ही पॉसिबल होगा। तो ये आर आ गया आपके पास, अभी इसी को एरो डायग्राम बना करके लिख दीजिए यार, क्या दिक्कत है। एरो डायग्राम में क्या आएगा, ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सबको लाना पड़ेगा, इधर बी सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको लेकर के आना पड़ेगा, दैट इज कौन कौन होगा, 6, 7, 8, 9, 10, ए सेट और बी सेट पूरा पूरा आना पड़ेगा। अभी देखना है कि डोमेन कौन कौन है, डोमेन में तो सिर्फ 2, 3, 5 है, तो 2, 6 के साथ जा रहा है, फिर 2, 8 के साथ जा रहा है, फिर 2, 10 के साथ जा रहा है, फिर 3, 6 के साथ जा रहा है, फिर 3, 9 के साथ जा रहा है, फिर 5 तो सिर्फ 10 के साथ जा रहा है। तो यही हो गया एरो डायग्राम, ठीक है, और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो वो तो लिख चुका है, ठीक है। और डोमेन ऑफ आर इनवर्स और रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालने को बोला गया है, तो आर पता है उसको उल्टा करके लिख दीजिए, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 6, 3, 9, 3, 10, 5, फिर डोमेन ऑफ आर आर इनवर्स निकाल दीजिए, क्या क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स, 6 होगा, 10 होगा, 10, 6, 8, 10 और 9 होगा, और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, सिर्फ 2, 3, 5 हो जाएगा, क्लियर है क्या। अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा यार, ये सब बहुत आसान है, ठीक है। नंबर 3 का अगर मैं बात करूं, वही चीज़ यार, एक्स कम्प्लीटली डिवाइड्स वाई, है ना, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए और वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये सब होमवर्क में डालने वाला सवाल है यार, क्या करें बोलो। अभी यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब क्या, कि कैपिटल ए सेट का सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ए में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया ना, पहले तो बोल रखा था ना कि एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स को प्राइम नंबर होना पड़ेगा, दैट डिवाइड्स वाई विदाउट रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इसीलिए ए का हमने सिर्फ 2, 3 और 5 को कंसिडर किया, बट एज यहाँ पे अभी आपको बोला जा रहा है कि एक्स कम्प्लीटली डिवाइड्स वाई और एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हो सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं आएगा। दैट इज़ आपके पास सबसे पहले 2, 6 आ जाएगा, फिर 2, 10 आ जाएगा, फिर 3, 3 आ जाएगा, 3, 6 आ जाएगा, है ना, फिर 4 के साथ तो कुछ भी नहीं होगा, 5 और 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे एलिमेंट निकाल दीजिए, आर के बाद आर इनवर्स निकाल दीजिए, मैट्रिक्स टेबल एरो डायग्राम सब बना लीजिए, आर इनवर्स निकाल दीजिए, डोमेन निकाल दीजिए, रेंज निकाल दीजिए, क्या कराए, लास्ट लेक्चर में भी करा चुके, आज भी बता चुके सफिशियंट बार 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 बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है, क्या बोले। R1 R2 दो रिलेशन है सेट ऑफ एंटीजर्स में, R1 दिया हुआ है और R2 भी दिया हुआ है आपके पास,
तो डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ देम। तो भाई देखो, R1 जो होगा उसमें बोला जा रहा है दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है। तो अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, ठीक है, तो या तो ए यहाँ से क्या निकल करके आता है, देखो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो आप जानते हो कि आप अगर फैक्टराइज करोगे एक साइड में लेकर के आके तो इस तरीके से बनेगा, दैट इज़ ए का वैल्यू या तो बी के इक्वल होगा या तो माइनस बी के इक्वल होगा। तो अगर मैं ए को 1 कंसिडर करता हूँ तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है और 1 के साथ -1 भी आ सकता है। फिर 2 कंसिडर करूँ तो 2 के साथ +2 भी आ सकता है, 2 के साथ -2 भी आ सकता है। 3 कंसिडर करें तो 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ -3 भी आ सकता है। ऐसे चलता जाएगा, ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, क्योंकि ए बी जो है वो जिस सेट का एलिमेंट है वो सेट खुद फाइनाइट नहीं है। तो अगर ए और बी जिस सेट में बिलोंग कर रहा है वो सेट अगर फाइनाइट नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइनाइट हो जाएगा, वो भी ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा। बट हमारे को यहाँ पे उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें तो डोमेन और रेंज सेट निकालने को बोला गया है। तो डोमेन का अगर मैं बात करूँ तो डोमेन में कौन आ सकता है, डोमेन में कौन आ सकता है? अच्छा, डोमेन में भी तो आप ए के जगह पे भी तो आप -1 रख सकते थे, तो उस वक्त वाई के जगह पे क्या आ जाता, वाई के जगह पे 1 भी हो सकता था और वाई के जगह पे -1 भी हो सकता था, ठीक है ना। तो डोमेन में भी तो मेरे को लग रहा है ना कि सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएगा, उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन में भी तो यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएगा ना, ठीक है। और रेंज जो होगा, रेंज में भी सारे के सारे इंटीजर्स ही आ जाएगा, क्योंकि इन सारे इंटीजर्स का जो अगर मैं ए को कंसिडर करूँ, मान लो कोई भी मान लो -2 कंसिडर करता हूँ, तो बी स्क्वायर का वैल्यू -2, तो बी का वैल्यू +-2 आ जाएगा। बात समझ में आया ना। फिर अगर मैं ए को -1 कंसिडर करूँ या फिर -3 कंसिडर करूँ तो बी स्क्वायर का वैल्यू 9 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अगर 9 हो जाएगा तो बी का वैल्यू +-3 आ जाएगा। तो रेंज सेट भी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, उधर भी सारे के सारे इंटीजर्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ए सेट डोमेन भी इंटीजर्स और रेंज सेट भी इंटीजर्स के इक्वल हो गया। अगर मैं R2 रिलेशन पे ध्यान से देखूं तो बोला जा रहा है ए माइनस बी पॉजिटिव है, वेयर ए बी प्राइम है, ए बी प्राइम है और एंड बोथ आर स्मॉलर देन 10, मतलब ए बी दोनों के दोनों प्राइम है और स्मॉलर देन 10 है। तो ए के पास कितना ऑप्शन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 से छोटा तो और कोई प्राइम नंबर है भी नहीं हमारे पास, और बी के पास भी 2, 3, 5, 7 ही है, ठीक है। तो ए माइनस बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अगर ए को मैं 2 कंसिडर करता हूँ तब तो ए माइनस बी प्राइम हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 2 -2, 2 -3, 2 -5, 2 -7, ये सारे के सारे या तो 0 या तो नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली ए अगर स्टार्ट होता है तो 3 से होगा, अगर ए 3 होता है तो बी 2 ही हो पाएगा, क्योंकि 3 2 पॉजिटिव आएगा डिफरेंस, 3 3 ले ले तो 0, 3 5 3 7 नेगेटिव आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर ए को 5 ले लेता हूँ तो बी 2 हो सकता है और बी 3 हो सकता है, 5 5 5 7 नहीं हो पाएगा। ए को 7 ले लेते तो बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आपके पास ये 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गया, तो R2 जो रिलेशन हो जाएगा वो उसमें ये 6 ऑर्डर्ड पेयर एग्जैक्टली बिलोंग करेगा, ठीक है। बात समझ में आया ना। अभी अगर इनका डोमेन का बात करूँ तो डोमेन में 3 5 7 आ जाएगा, और रेंज का बात करें तो रेंज में 2 3 5 आ जाएगा, है ना। इस रिलेशन का डोमेन का अगर बात करूँ तो डोमेन में 3 5 7 आ जाएगा, और रेंज का अगर बात करूँ तो रेंज में 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आ जाएगा। तो ये लो आपका डोमेन और रेंज निकल करके आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको करना है, बड़ा आसान सा चीज़ है, ये सब आराम से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो मैं तो ऐसे रफ में करके दे रहा हूँ सॉल्व, आप अच्छे से इसको फेयर करके करके अपना कॉपी में अच्छे से नोट्स बना करके रख दीजिएगा। आगे बढ़ते, नंबर फाइव में क्या है, देखो आर एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस अगर है तो आर इनवर्स भी एस इनवर्स का प्रॉपर सबसेट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आर अगर एस का प्रॉपर सबसेट है देन आर इनवर्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस इनवर्स, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो आपको प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिए। तो अभी आप एलिमेंट जो है वो किस में कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली आर इनवर्स में कंसिडर करेंगे, और आर इनवर्स में एक रिलेशन का इनवर्स में जो भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स,
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स अगर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन। बात समझ में आ रहा है? तो बी कॉमा ए अगर आर पे है तो बी कॉमा ए एस पे भी होगा। क्यों सर? क्योंकि आर एस का सबसेट दिया हुआ है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ए कॉमा बी एस इनवर्स में होगा, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ये एक वन मार्क का प्रूफ था। ये बेसिकली आप लोग खुद भी कर पाते, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नंबर टू का अगर बात करूं तो क्या बोला जा रहा है, आर यूनियन टी का होल इनवर्स आर इनवर्स यूनियन टी इनवर्स के इक्वल बोला जा रहा है। तो अगेन आपको क्या करना है, इक्वालिटी प्रूफ करना है। मतलब एक बार इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है और एक बार इस चीज को इसका सबसेट प्रूफ करना है। तो पहले आप स्टार्टिंग वाला करो, क्या करोगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यूनियन टी का होल इनवर्स। तो अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए आर यूनियन टी पे बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि बी कॉमा ए आर पे है या फिर बी कॉमा ए टी पे है। तो अगर बी कॉमा ए आर पे है तो ए कॉमा बी आर इनवर्स पे होगा या तो ए कॉमा बी टी इनवर्स पे होगा। ठीक है, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं और को हटा करके लिखना चाहता हूँ तो आर इनवर्स यूनियन टी इनवर्स आएगा। तो ए कॉमा बी को यहाँ पे कंसीडर किए थे और ए कॉमा बी यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है आर यूनियन टी का होल इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ आर इनवर्स यूनियन टी इनवर्स। ठीक है, और फिर आप कन्वर्सली ये इसका सबट्रैक्ट प्रूफ कर दीजिए। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो फ्रॉम वन एंड टू लिख दीजिएगा आर यूनियन टी होल इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स यूनियन टी इनवर्स। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसे बोला जा रहा है आर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जहां पे एक रिलेशन डिफाइंड किए ए कॉमा बी, जहां पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 3a प्लस b बराबर 10। तभी देखो ए बी अगर दोनों नेचुरल है तो ए को अगर सबसे पहले आप क्या रख सकते हो, वन रख सकते हो। अगर ए वन होता है तो बी कितना आएगा, बी आ जाएगा 7। बिल्कुल सही। क्यों सही? क्योंकि बी भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और यहाँ पे हो रहा है। फिर आप ए को अगला नेचुरल नंबर क्या रख सकते हो, 2। ए को 2 रख के देखो बी कितना आ गया, 4 आ गया। बिल्कुल सही। फिर आप ए को क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो। ए को 3 रख के देखो बी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बिल्कुल सही हो गया। फिर ए को अगर 4 रखेंगे तो बी नेगेटिव आना चालू हो जाएगा, 4 ऑनवर्ड्स बी नेगेटिव आना चालू हो जाएगा, मतलब उसके बाद और पॉसिबल होगा ही नहीं। तो रिलेशन के अंदर जो आपका एलिमेंट्स आएगा उसमें सिर्फ 3 ही ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, 1 7 2 4 और 3 1। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन। अगर ये आपका रिलेशन है तो इसका इनवर्स भी आप लिख सकते हो, डोमेन भी निकाल सकते हो, रेंज भी निकाल सकते हो, इनवर्स का डोमेन भी निकाल सकते हो, इनवर्स का रेंज भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, कहानी खत्म। चलो ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है ये ऑब्जर्वेशन। हाँ, ए सेट बी सेट जो दिया जाता है, डोमेन जो है वो जरूरी नहीं है कि ए सेट कंप्लीटली हो जाएगा ए सेट का, क्योंकि देखो यहाँ पे ए सेट जो है वो तो नेचुरल नंबर है ना। ठीक है, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, तो डोमेन जो है वो तो सिर्फ 1 2 3 आया। क्या यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है? यहाँ पे क्या बोला था आपको, सारे नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। तो डोमेन भी इसका सबसेट होगा रिलेशन में, रेंज भी इसका सबसेट होगा, मतलब इसके इक्वल हो भी सकता है या तो इससे छोटा होगा। बात समझ में आया ना, क्लियर है? बट इसको एक्सीड कभी नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 उसमें बिलोंग कर रहा है बी ए सेट एंड आर बी ए रिलेशन ऑन कैपिटल इज सच दैट ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, फाइंड आर इज दैट इन रोस्टर फॉर्म ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं भाई आर का, तो आर क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी होना पड़ेगा। तो ए बी दोनों ए पे बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं 1 पकड़ता हूं तो 1 के साथ 1 भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, फिर अगर मैं 1 और 2 पकड़ता हूं तो 2,1 नहीं आ सकता, क्योंकि 2,1 पे तो A ग्रेटर देन B हो जाएगा, तो 2,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, फिर 3,1 नहीं हो सकता, 3,2 नहीं हो सकता, 3,3 हो सकता है। तो आपका रिलेशन में सिर्फ ये 6 एलिमेंट ही आएगा।
ठीक है, अभी आपको बोला गया है डोमेन रेंज अगर निकालने को बोलता है तो आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बोला है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट रिलेशन क्या होगा इस सेट के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट रिलेशन का बात करूँ तब तो ऑब्वियसली वो नल रिलेशन होगा, ठीक है, जो एम्प्टी रिलेशन है ना, वही हो जाएगा स्मॉलेस्ट रिलेशन, है ना। और अगर मैं ग्रेटेस्ट रिलेशन पॉसिबल का बात करूं तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, ये रिलेशन खुद ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये रिलेशन खुद ही ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिलेशन हो जाएगा ए के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर मैं इस रिलेशन का बात कर रहा हूं तो, और अगर किसी भी सेट के ऊपर आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन बात करते हो तो वो तो एम्प्टी रिलेशन ही होगा, और अगर मैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिलेशन का बात करूं तो वो ऑब्वियसली पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, है ना। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो एक्सीड नहीं कर पाएगा ना कभी भी, ठीक है। तो अगर ग्रेटेस्ट का बात करूं तो पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना, और अगर स्मॉलेस्ट का बात करूं तो वो एम्प्टी रिलेशन आ जाएगा, अगर मैं जनरली बात करूं। बट अगर वो लोग इस रिलेशन के अंडर पे पूछ रहा है, तो इस रिलेशन के अंडर पे अगर पूछ रहा है तो ऑब्वियसली मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज द एम्प्टी रिलेशन। बट एज वो लोग, मेरे को लगता नहीं कि इस रिलेशन के अंडर पे पूछ रहा है, वो लोग डायरेक्टली पूछ रहे हैं ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब इस सेट के ऊपर स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑब्वियसली एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट रिलेशन ए क्रॉस ए दैट इज द एंटायर कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेट ए एंड ए हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर सेट ऑन ए ना दे करके ये पूछ देता फ्रॉम ए टू एनी सेट बी, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाता, ग्रेटेस्ट रिलेशन ए क्रॉस बी हो जाता और स्मॉलेस्ट तो एम्प्टी रिलेशन ही होता। समझ हो ना मेरी बात, क्लियर है। चलो, तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा पूरा एंटायर रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है, और यहाँ पे खास कुछ समझाने लायक है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ज़रूर आप चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, डीप में जा करके स्टडी कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, नोट्स बना लीजिएगा, और अभी अपन स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन रिलेशन चैप्टर का, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार के रिलेशंस होते हैं, उनके बेसिक रिलेटेड एग्जांपल्स, थ्योरम, बहुत सारी चीज़ें। ये पार्ट जो अभी आने वाला है ये रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जबरदस्त तरीके से, एकदम अच्छे से फुल एनर्जी के साथ आप पढ़िएगा तो आपको मज़ा आएगा, और प्रॉपरली नोट्स बना करके जो भी अपना डाउट्स है वो तैयार रखिएगा। आप कॉमेंट में भी पूछ सकते हो, अकॉर्डिंगली आप क्लास में भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखते चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के हैं और क्या क्या है उसके रिलेटेड टॉपिक। रिलेशन को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना। अगर मैं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने जाऊं, पहले तो वो आपको समझ जाओ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए, समझने के लिए आपको अच्छे से वो चीज समझना पड़ेगा। फंक्शन में मैंने ये चीज बताया आपको, बट अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं दो सेट लेता हूँ ए और बी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ए और बी अगर लेता हूँ, मान लो ए एक सेट है, आप अच्छे से जानते हो, 1, 2, 3 ले लेता हूँ, और बी एक सेट ले लेता हूँ ए कॉमा बी, तो ए क्रॉस बी जो आएगा, ठीक है, ये भी अपने आप में एक सेट ही होगा, बस इस सेट का जो एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अभी ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे हम, अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ तो ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से ए कॉमा बी, कोऑर्डिनेट जैसे लिखते हो ना उस प्रकार से लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे एब्सिसा ऑर्डिनेट रहता है, ठीक है, उस प्रकार से आप ए कॉमा बी डालोगे। बट ए जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट सेट जो है उसमें बिलोंग करना होगा ए को, अगर आप ए कॉमा बी लिख रहे हो, और बी को अगर बाद में लिख रहे हो तो बी को सेकेंड सेट में बिलोंग करना होगा, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल है ना। तो ए मस्ट बिलोंग टू द सेट कैपिटल ए एंड बी मस्ट बिलोंग टू द सेट कैपिटल बी, समझ आ रहा है। तो ये हो गया आपका 1, a, समझ में आया। फिर हो गया ये आपका 1, b, ठीक बात है, ये हो गया आपका 2, a, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2, b, चलो ये हो गया 3, a, और अगला वाला हो गया 3, b, इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो a से b में रिलेट हो रहा है, ये जो मैंने लिखा ये क्या लिखा, a क्रॉस b एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो अपने आप में एक सेट है, जो अपने आप में एक सेट है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होगा, बस उस सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो पहले वाले सेट की तरह नहीं होगा, वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आएंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या है, उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बस बिलोंग टू द फर्स्ट सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द सेकंड एलिमेंट बस बिलोंग टू द सेकंड सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर यहां पे कोई बच्चा लिख देता है a, 1, 1, a की जगह पे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
a comma 1 must be an element of the Cartesian product b cross a, not a cross b. समझ में आ रहा है ना? Clear? तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान से नजर देना होगा या फिर ध्यान देना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका Cartesian product. अभी अगर मैं बात करूं कि सर आपने तो बोल दिया कि रिलेशन जो होता है वो बेसिकली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो उस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ा सा बता देते तो जरूर अच्छा हो जाता. ठीक है, तो अगर बताने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान से सुनने का कोशिश करो. ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी का सबसेट. ठीक है, अगर सबसेट का बात करूं तो सिर्फ ये भी आ सकता है या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं या फिर ये तीनों के तीनों आ सकते हैं या फिर चारों के चारों आ सकते हैं या फिर पांचों के पांचों या फिर पूरा पूरा ए क्रॉस बी भी आ सकता है. ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक मैपिंग डायग्राम, आप अच्छे से जानते हैं फंक्शन में बताया गया आपको मैपिंग डायग्राम क्या है. अगर एक मैपिंग डायग्राम के हेल्प से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो शायद आपको बेहतर समझ आएगा मुझे जहां तक लग रहा है. ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है. ठीक है, ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, और बी सेट में कितना है, ए कॉमा बी. ठीक है, यहां पे से ना यहां में से मैं सिर्फ दो एलिमेंट को पिक कर रहा हूं, दो एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. जैसे 1, a को पिक किया हमने और दूसरा 3, b को पिक किया. समझ में आ रहा है ना, इज इट अ रिलेशन, इज देयर एनी रिलेशन. आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल. क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट जो है ना, दो एलिमेंट, 1 a के साथ रिलेट हो रहा है और 3 जो है वो b के साथ रिलेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो जरूर हो रहा है ना यहाँ पर. समझ में आ रहा है, अगर कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर हो रहा है तो इस चीज को अपन रिलेशन बोलेंगे. अगर इस चीज को रिलेशन बोलेंगे तो इस रिलेशन में कौन पार्टिसिपेट हो रहा है, 1, a और 3, b, विच इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b. समझ में आ रहा है. अगर मैं बढ़ा देता हूं 1, b को भी ले लेता हूं तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल अभी भी ये रिलेशन है. अगर मैं एक और बढ़ा देता हूं तब भी बोलोगे रिलेशन है, एक और बढ़ा देता हूं तब भी बोलोगे रिलेशन है, एक और बढ़ा देता हूं जब पूरा पूरा a क्रॉस b आ जाएगा तब भी रिलेशन है. इसीलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ एक एरो होने से भी रिलेशन है या फिर 6 का 6 एरो होने से भी रिलेशन होगा. समझ में आ रहा है ना, एक ऑर्डर पे पार्टिसिपेट करेगा तब भी रिलेशन होगा, 6 का 6 पार्टिसिपेट करेगा तब भी रिलेशन होगा. तो मुद्दे का बात है 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि रिलेशन जो होगा वो बेसिकली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. समझ में आ रहा है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, और उन कुछ रिलेशन में से कुछ ही पर्टिकुलर ऐसे रिलेशन है जो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, उसको अपन फंक्शन कहते हैं. समझ में आ रहा है ना, वो चीज मैंने आपको फंक्शन का लेक्चर वन में समझाया था. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और दूसरे जगह पे अगर मैं देखूं कि रिलेशन क्यों हम बोलते हैं कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर एक एरो आ गया तो भी ये रिलेशन हो रहा है, दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिया तो भी हो रहा है, 3 ले लिया तो भी हो रहा है, 6 का 6 ले लिया तो भी हो रहा है. इसीलिए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नोन एज रिलेशन, एंड सम स्पेसिफिक रिलेशन आर नोन एज फंक्शन इन विच टू कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई. Each and every element of set A must be related to set elements of set B and uniquely related. समझ में आया ना? यानी कि 1 से 2 या फिर 1 से 3 या फिर 1 से 1 इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स पॉसिबल नहीं है, उस काइंड ऑफ रिलेशन को अपन फंक्शन बोलते हैं. बट रिलेशन जो है वो तो हर तरीके का होता है. समझ में आ रहा है ना, किसी भी प्रकार में बस ए सेट का एलिमेंट बी सेट का एलिमेंट से किसी भी माध्यम से अगर रिलेट हो जाए अपन उसको रिलेशन बोलेंगे. ये नहीं देखेंगे कि यूनिकली हो रहा है या फिर सारे एलिमेंट ऑफ सेट रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है. ठीक है, जब मैंने 2 को छोड़ दिया था, सबसे पहला वाला एग्जांपल जो दिया था तब भी तो उसको रिलेशन बोला था, बट उसको फंक्शन तो नहीं बोल सकते क्योंकि 2 मिसिंग है यहाँ पे. समझ में आ रहा है ना, 2 का कोई इमेज नहीं बन रहा है. समझ गए होंगे आप इतना देर में कि रिलेशन का काम ही क्या है. ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने साथ क्या कंसेप्ट पे बात करूं, इसके बाद अगर बात करना चाहूं तो चलो देख लेते ध्यान से. ये हो गया रिलेशन, हो गया ऑर्डर्ड पेयर. एक अनऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट है, आईआईटी सवाल पूछ चुका है उसमें. ठीक है, अपन सवाल में बात करेंगे, वो सवाल मिलेगा आपको. ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर क्या है आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, वैसे डिस्कस कीजिएगा, अदरवाइज सवाल मिलेगा एक्सरसाइज फॉर्म में, मैं बात करूंगा उसमें. ठीक है, आईआईटी आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं पूछेगा, अनऑर्डर्ड पेयर पूछेगा. चलो दूसरी बात है आपका और क्या क्या बाकी मेरे रिलेशन में, अगर मैं सोचूं तो हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बात कर लेते. नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, अगर मैं बात करूं कि ए सेट, देखो यहां पे ए सेट में कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था. बी सेट में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है. तो इधर है आपका 3 एलिमेंट, इधर है आपका 2 एलिमेंट. तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो गया, एलिमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, दैट्स ओके, बट कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट. समझ में आ रहा है ना, उस 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 आप जानते हो.
यानी कि कहना मतलब है कि सर n ऑफ a अगर आपके पास m हो गया, n ऑफ b अगर आपके पास n हो गया, तो अगर मैं n ऑफ a क्रॉस b या फिर n ऑफ b क्रॉस a का बात करूं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे सर? m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा बोल? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा बोल? कितना होगा? What is relation? Relation are the possible subsets of Cartesian product. Total number of relation बोल रहा हूँ। अगर सिर्फ एक ordered pair को लेकर के एक set बनाता हूँ, तो भी एक relation बन सकता है। दो को लेकर के बनाऊँ, तो भी relation बन सकता है। छह का छह को लेकर के बनाऊँ, तो भी relation बन सकता है। मतलब सर आप indirectly बता रहे हो कि इसका possible subset गिना रहे हो आप। इस चीज का possible subset गिना रहे हो। आपने हमको ये पूछ रखा है कि total number of relation A set से B set में कितने possible होंगे, वो बताओ। तो सीधा सीधा इसका मतलब यही निकल रहा है सर, अगर ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, मतलब आप ये सिखा रहे हो कि A क्रॉस B का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स जितना भी होगा, वो सारे के सारे A क्रॉस A से B सेट में एक एक रिलेशन कहलाएंगे। तो सीधा सीधा A क्रॉस B का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट काउंट कर लेते हो, वो कितना होगा? किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो जाता है? 2^n हो जाता है। अगर सेट में m एलिमेंट है, अगर सेट में m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो जाता है? 2^n। आप अच्छे से जानते हो जो कि पावर सेट का एलिमेंट होता है, ठीक है ना? तो अगर मैं A क्रॉस B में mn एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2^mn हो जाएगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर सवाल पूछेगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब पूछा भी है लास्ट ईयर 19 में पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक साइड में n एलिमेंट से, दूसरे साइड में n एलिमेंट से, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b और b टू a इज 2^mn। वेयर और किस तरीके से ये आ रहा है, जहां पे आपको पता है कि a क्रॉस b, b क्रॉस a के सबसे पहले अपन एलिमेंट्स निकाल रहे हैं और उसके बाद उसका सबसेट को काउंट कर रहे हैं, बेसिकली 2^mn। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मैं जहां तक देख रहा हूँ ना कि दो साल से वो जो आसाम बोर्ड में 1 mark का जो पहले 10 questions पूछा जाता है, उसमें जो एक सबसे पहला क्वेश्चन होता है 1 mark का, लास्ट ईयर को भी था वो आपका रिलेशन किस क्वेश्चन था, और इस साल को भी रिलेशन का था, मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल ITF का हो, ठीक है, बट खैर रिलेशन से आपको 4-5 mark तो मिल ही जाएगा भाई। ठीक है ना, ये मतलब पता नहीं ये बोर्ड वाले क्यों ऐसे करते हैं, फंक्शन इतना प्यारा चैप्टर, इतने सारे कंसेप्ट है, उधर छोड़ करके ये नलायक सा चक्कर में सवाल पूछते हैं। ठीक है, पता नहीं उसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना, उनको वही सब पसंद है, फालतू चीज। ठीक है, खैर छोड़ो, रिलेशन में आपको सवाल मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। 19 में तो आया, अच्छा सॉरी सर, 19 में आया नहीं था 4 mark का सवाल, वो 20 में दे दिया, 21 में पता नहीं आया ही नहीं। ठीक है ना, अगर आया है फंक्शन से पूछता है, ऐसे नहीं है फंक्शन से नहीं पूछता है, पूछेगा फंक्शन से, बहुत सारा कुछ पूछेगा, बट और रहता है ना, बेसिकली क्या होता है ना, ये जो रिलेशन फंक्शन, बाइनरी फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चार ब्रांच, ये पूरा ब्रांच का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, सुनोगे तो हंसी आएगा, कितना? 10 number है, 10 number। अभी 10 number में से ITF का 4 number का सवाल वो तो कंफर्म है, बचा हुआ 6 number। अभी ये 6 number ये 3 parts बांट उठ के लेके चले जाते हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर, उनमें से कभी 4 number का तो एक ही सवाल बचता है, 2 1 mark का सवाल पूछता है और 2 4 mark का सवाल पूछता है, 1 4 mark का सवाल तो ITF लेके चला गया, अभी 1 4 mark का सवाल जो बचता है उसमें या तो रिलेशन आता है या तो फंक्शन आता है, और अगर और रहता है तो दोनों ही पूछ देता है, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि फंक्शन का वेटेज ज्यादा रहे, और अगर रिलेशन, हमें क्या भाई, हम तो सब पढ़ा रहे हैं और आपको भी सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, डालो कोई दिक्कत नहीं उसका, तो ये कहानी मोस्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अभी देख लेते हैं एक बार शीट में और क्या क्या है, अपन बात करते हैं उसके बाद। चलो, तो आप देख सकते हो रिलेशन का डेफिनेशन सबसे पहला पेज में लिखा गया है आपको, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये सब पढ़ के जाना भाई, जो जो शीट में है एक एक चीज आपका दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, कब क्या पूछ देगा भगवान जाने, कब पूछ देगा रिलेशन का डेफिनेशन, बट बोले सर समझ में तो आया था सबसे ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे ध्यान से, तो वेरा 1 number, समझ में आ रहा है ना, जो जो चीज पढ़ाया जा रहा है एक एक चीज दिमाग में फिट होना चाहिए। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए भी हो सकता है। देन ए रिलेशन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इंप्लाइज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बार बार समझा के दिया। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह वही सब बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, नोट नंबर 1 में क्या लिखा गया है, अगर इस प्रकार का चीज आपको कहीं पे भी लिखा हुआ दिख जाता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं,
रिलेशन का बात चल रहा है, ठीक है। ए कोमा बी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ए जो एलिमेंट है वो रिलेट हो रहा है किसे, बी से। समझ में आ रहा है ना, ए इज रिलेटेड टू बी। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या निकलता है, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, अंडर द रिलेशन आर। समझ में आया ना, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, ठीक है। आगे का कहानी देखते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेशन पूछा जा सकता, ठीक है, तो वो सब मैंने आपको समझा दिया ओवरऑल, जो भी बेसिक पार्ट था, ठीक है। अभी हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है ना भाई, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उस चीज पे हम ध्यान से फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ सारे डेफिनेशंस, फिर आप समय भी बच जाएगा वीडियो पर और आप उन्हें समझा भी दूंगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं कि अगला जो पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। बेसिकली कितने पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स में। पहले तो ये तीन बेसिक रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, वॉइड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, फिर उनके ऊपर आगे जो मुद्दे का तीन चार रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो सारे कहानी के ऊपर अपन बातचीत करेंगे। तो इन प्रकार सारी चीज देखोगे तो आपको कुल मिलाकर के 7-8 प्रकार के रिलेशन मिल जाएगा, और वही सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन और थ्योरम्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन का पहला रिलेशन में बात करूं तो वो आ जाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है देख लेते हैं। लेट ए बी ए सेट, द रिलेशन फाई विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज टर्म्ड एज एम्प्टी रिलेशन, दैट इज नो एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना, no elements of A related to any elements of A, ठीक है। phi का मतलब आप समझते हो null set होता है, ठीक है ना। तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो अपने आप में तो सेट ही होता है, और phi जो होगा वो उसका सबसेट होगा। तो ये जो होगा वो कहीं ना कहीं एक null set के साथ साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बात होगा तो एक नन रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन भी नाम से भी जाने जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो तो ए हो गया मान लो कोई भी एक सेट 1, 2, 3, 4, 5। अभी अगर रिलेशन कुछ इस प्रकार से बना दिया गया ताकि ये सारे एलिमेंट्स जो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं वो इस रिलेशन में, मतलब यहां में से कोई भी दो एलिमेंट को पिक करके मैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑर्डर पेयर नहीं फॉर्म कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो मुझे क्या मिलेगा, 5, विच इज ए एम्प्टी रिलेशन। समझ में आया ना, देख लेते कहानी आप देख सकते हो। अगर आप इसमें बातचीत करो तो अब देखोगे कि क्या देखोगे, a माइनस बी 12 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, यहां पे अगर मैं बात करता हूं a माइनस बी पॉजिटिव है तो a क्या होगा, मैक्सिमम, b होगा मिनिमम। तो a का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, 5। b का मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, b तो मिनिमम बोल रहा हूं ना, b का मिनिमम पॉसिबिलिटी 1 होगा। तो डिफरेंस जो होगा वो 4 से ज्यादा तो हमको दिख ही नहीं रहा है, 4 से बड़ा डिफरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। तो 4 से बड़ा डिफरेंस अगर पॉसिबल नहीं है तो 12 कभी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, मतलब साइड के अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे, ठीक है ना। और वो हो जाएगा आपका नल या फिर एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। मान लो जैसे अगर आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला ना, जैसे मान लो अगर अपन यहां तक ले लेते, ये तो वॉइड रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर करके ले जाता हूं आपको मान लो 13 तक ले लेता हूं, ठीक है ना, इस प्रकार से डॉटेड लगा देते हैं और ये 13 तक लेके चलाता हूं, ठीक है, तब जाकर के आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल जाएगा, या फिर मान लो 15 तक लेके गया तो आपको कितने एलिमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 1, 15 आपको मिलेगा, नहीं 12 चाहिए, तो 12 चाहिए तो आप 13 लोगे, ठीक है, फिर 2, 14 ले लोगे आप, फिर 3, 15 ले लोगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उल्टा आप ले नहीं सकते हो, 13, 1 ले नहीं सकते हो, अगर 13, 1 ले लेते हो तो वो तो आपको वो मिल जाएगा ना, क्योंकि a कॉमा b बोला है ना, तो b हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13, तो डिफरेंस नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो यही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए लिखा था कि मैं आपको वो चीज भी बता दूं, अलग में जो हम पढ़ते हैं ना कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो एक रिलेशन को अंडर ए सेट आप पूरा पूरा डिटरमाइन करने के बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ये तो एक a क्रॉस b, a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही है, दोनों एलिमेंट ए से भी पिक हो रहा है, तो ए क्रॉस ए का ये सबसेट ही है, कोई ना कोई तो सबसेट होगा। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, अगर 15 15 बात करो तो 15 स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएगा, तो उसमें से 3
ऑर्डर पेयर लिया मैंने, तो ये तो सबसेट हो गया। ये अगर सबसेट हो गया तो अगर मैं बात करूं ये अपने आप में तो एक रिलेशन है, ठीक है, जो इस सेट के अंदर भी ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशन का अगर मैं डोमेन का बात करूं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ऑफ आर, ठीक है, स्मॉल डी ऑफ आर, जो कि हो जाएगा आपका सारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू जो फर्स्ट वाले मैपिंग पे होगा, मतलब फर्स्ट वाले गोले पे सेट पे होगा, समझ में आ रहा है ना, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। और अगर मैं रेंज ऑफ आर की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपका, 13 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा, यानी कि जो आउटपुट है वो आएगा, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से डोमेन और रेंज जो है वो भी लिख करके इस काम को समझ सकते हो, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, फाइल जो है अगर रिलेशन अंडर दिस सेट, अंडर ए पर्टिकुलर सेट, अगर रिलेशन का वैल्यूज आपको रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है तो उसको अपन एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, दैट इज फाइन, ठीक है। अगला देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, सब कुछ आ गया, ठीक है ना, पॉसिबल रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो उठ करके आ सकता है ना, तो उस केस में अगर पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठ करके आ गया तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। देख लो, for a set capital A, if we have A cross A, a subset of A cross A, then this relation is called as universal relation on A, which means each element of A is related to every element of A. Each element of A is related to every element of A. यानि कि one खुद one के साथ भी related, two, three, four, five, six सबके साथ related. Similarly two खुद two के साथ भी होगा, two, one, three, four, five, six सबके साथ होगा. समझ में आ रहा है ना? यानि कि A cross A जो Cartesian product होगा, उसका पॉसिबल सबसेट में से वो सबसे बड़ा वाला सबसेट जो खुद A क्रॉस A ही है वो बन जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसको आप लिखोगे, इसको आप अगर एक्सप्रेस करके ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में लिखोगे, मतलब एलिमेंट्स आएगा ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में, वो तो जाहिर सी बात है, अगर इस रिलेशन को आप लिखने का कोशिश करो आगे फर्दर तो क्या लिखोगे, सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आपको लिखना पड़ेगा ना। देखो, क्योंकि बोल रहा है रिलेशन जो है वो A कॉमा B बिलोंग्स टू R such that modulus of a minus b greater than equal to 0, आप बोलोगे सर ये तो कोई भी a और b सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि modulus जो होता है वो तो हमेशा एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो आपको ये पता है कि ये ही बोल के दे रहा है, तो a भी यहां पे आप कुछ भी पिक कर सकते हो, 1,1 भी हो सकता है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 कुछ भी हो सकता है, फिर 1,2, 1,3, 1,4 सारे कहानी आ सकता है, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 × 6 कितने आएंगे, 36 एलिमेंट हो जाएंगे आपका यहां पे, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये 36 वो क्या है, वो वन ऑफ द पॉसिबल सबसेट है, A क्रॉस A का वन ऑफ द पॉसिबल सबसेट है, और वो वन ऑफ द पॉसिबल सबसेट सबसे बड़ा वाला सबसेट है ना, दैट इज खुद A क्रॉस A ही हो गया, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। जब रिलेशन के अंदर वो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ सकता है जो A से A पे रिलेट हो रहा है, तब जाकर के इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और ये है हमारा अगला पार्ट, आइडेंटिटी रिलेशन, समझ में आया ना, ठीक है। A B A set, then relation I suffix A, ठीक है ना, जिस set में relation define हो रहा है उसको नीचे लगा दोगे, आपको जानते हो identity function का question आप function में भी कराना है। A comma A such that A belongs to A on capital A is called the identity relation on A, समझ में आ रहा है, clear? Otherwise identity relation in other words identity relation indicates every element of A is related to itself, मतलब A सेट का हर एलिमेंट जब खुद के साथ से रिलेट होगा और उस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर जब आपके रिलेशन के अंदर होगा तब उस रिलेशन को आप क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, A अगर 1 2 3 है तो 1 जब सिर्फ खुद के साथ रिलेट होगा, यानी कि 1 1 के साथ, 1 2 या फिर 3 के साथ नहीं हो सकता है, 2 सिर्फ खुद के साथ, 2,2, 3 भी सिर्फ 3 के साथ, समझ में आ रहा है ना, तब इस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, डिफाइंड ऑन सेट A, समझ में आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 3,3 को छोड़ देता हूं तो यहाँ पे 3 खाली बैठेगा, वो बोलेगा मैं तो खुद के साथ रिलेट नहीं हुआ, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन सकता। अगर 3,3 तक रिलेट होने के साथ एक और एक्स्ट्रा आ गया 1,3, ठीक है, तब भी आइडेंटिटी नहीं बन सकता। आइडेंटिटी में सिर्फ खुद के साथ खुद का रिलेशन हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, और कुछ पॉसिबल नहीं है। 1,3 भी नहीं आ सकता है, 3,3 भी होगा तो भी कहानी नहीं चलेगा, दीज आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। बट ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा जो अपन आगे देखेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप ये तीनों रिलेशन को समझ सकते हो। अभी आगे देखते हैं कि बाकी क्या है। तो चलो, अभी 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, यानी कि अपना एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, वो सारे कहानी अपन देख चुके हैं।
उसके बाद अपन जो अपना मेन पार्ट है उस चीज पे फोकस करते हैं और वो बोर्ड पे लिखा गया है, ठीक है। तो काफी सारे थियरीज वगैरह है, इसीलिए मैंने लिख दिया, मैंने कोई इतना सारा चीज याद नहीं रहता है और मैं मोबाइल से देख देख के आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलता जाऊंगा तो थोड़ा सा अंदाजा लगा के समझ लेना, क्योंकि शीट ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप चाहें एज इट इज वहीं पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन से, है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंटीसिमेट्रिक और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आखिरी पांच है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके सवाल बनते हैं और आपको समझना भी पड़ेगा उतना ध्यान से, ठीक है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है पहले देख लेते हैं। By reflexive relation, आप मान लो a relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. ठीक बात है? If every element of A is related to itself. आप बोलोगे सर यही definition तो आपने identity relation में भी पढ़ाया था, every relation of A. But उधर हमने ये बोला था कि every relation of A ही सिर्फ A से मतलब खुद से relate होगा, समझ में आ रहा है ना, दूसरा और कोई ऑर्डर पेयर आ नहीं सकता है, बट इस जगह पे दूसरे ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल है, बस कंडीशन इतना है कि जब उसका खुद का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। इसका खुद का कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट रिलेट विद इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि अगर आपका सेट 1, 2, 3 है तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होगा बताओ, 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा, 1, 2 होगा, 1, 3 होगा, 2, 3 होगा, समझ में आ रहा है ना, ए से ए पे ये सारे पॉसिबल होंगे, ठीक है, 2, 1 होगा, लाओ समझ सकते हो, टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है, बट जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का एलिमेंट्स हो, बट उनमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर मुझे बनाना है तो कौन सा एलिमेंट को मुझे पिक करना है वो आपको ध्यान से समझना है। अगर ये आपका सेट है तो, और अगर आप रिलेशन जो बनाओगे वो कहां पे बनाओगे, बोलो, ए क्रॉस ए का सबसेट ही तो होगा, तो ए क्रॉस ए तो हम लिखते नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन बना देते तो हमें पता है कि ए क्रॉस ए लिखेंगे तो उसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से कितने ऑर्डर्ड पेयर्स लेकर के अगर मैं एक रिलेशन बनाऊंगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, वो चीज आपको समझना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन के हिसाब से आर इज रिफ्लेक्सिव तभी होगा इंप्लाई इंप्लाइड ए कोमा ए मस्ट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जब स्मॉल ए कैपिटल ए का एक एलिमेंट होगा तो ए कोमा ए जो है वो रिलेशन में होना पड़ेगा, वही सिर्फ इकलौता कंडीशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ ए कोमा ए होना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आइडेंटिटी लगाता है कंडीशन, रिफ्लेक्सिव नहीं लगाता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है मेरा पेट भर दो बाकी मेरे अंदर कुछ भी करो छेड़ करो मेरा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आइडेंटिटी को फर्क पड़ता है, वो आपको होने नहीं देता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अलावा और कुछ डालने नहीं देता है, बट रिफ्लेक्सिव देगा, रिफ्लेक्सिव बोलेगा मेरा 1 है तो 1, 1 लाओ, 2 है तो 2, 2 लाओ, 3 है तो 3, 3 लाओ, उसके बाद कुछ भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट ये आइडेंटिटी नहीं है, मतलब दुनिया के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे, अगर मैं ये दोनों को हटा देता हूं तो भी ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, अगर इन दोनों को ले लेता हूं तो भी ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, बट अगर इन दोनों को हटा देता हूं तो ये आइडेंटिटी बनेगा, बट इन दोनों को रख देता हूं तो ये आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फंडा, है ना, तो आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन वगैरह याद रखना अच्छे से, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, x कोमा y बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू y फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू नेचुरल्स, ठीक है, x कोमा y नेचुरल नंबर है और आपको जो रिलेशन दिया गया वो कौन सा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं आपको टेस्ट करना है तो आपको इसका एलिमेंट्स बताना पड़ेगा, तो एलिमेंट्स क्या आ सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर तो इनफाइनाइट बनेगा, क्यों, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बहुत बड़ा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो अपन अगर ध्यान से सोचते हैं तो ये सोचेंगे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी कि यहां पे एक्स इक्वल टू वाई तो एक कंडीशन है ना, अगर एक्स इक्वल टू वाई एक कंडीशन है तो एक्स कोमा वाई कभी ना कभी एक्स कोमा एक्स बनेगा, यानी कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे या नहीं आएंगे, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मैं बता रहा हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दोनों के दोनों, तो n क्रॉस n हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ऑफ नेचुरल क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे बट कुछ एलिमेंट्स जरूर होंगे, मतलब इनफाइनाइट होंगे वो दुनिया को पता है, बट क्या क्या होंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो गौर से नजर डालो, 1, 1, 2, 2,
आपका रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, एक्स कोमा एक्स मस्ट बिलोंग टू आर, समझ में आ रहा है ना? तो एक्स कोमा एक्स क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देखो ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? x, if x, x satisfies this relation, then x greater than equal to x must be true. क्या x greater than equal to x true है या false है? Mathematical reasoning true है ना भाई? Greater than or equal to or word आगे मतलब तो ये हो या फिर ये हो, true तो बनेगा, नहीं आ रहा है? समझ में आया ना? और वाले relation में मैं भूल गया क्या? A union B वाला फंडा नहीं था कि और वाले रिलेशन में कब ट्रू होता है? जब इन दोनों में से एक ही ट्रू हो जाता है तो पूरा पूरा ए यूनियन बी क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो और वाला फंडा है ना यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन एक्स तो गलत है, बट एक्स इक्वल टू एक्स तो ट्रू है ना, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रू है। मीन्स एक्स कॉमा एक्स ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज दैट द आर रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ कि समझ गए, उसके बाद नहीं समझोगे क्वेश्चन में बता दूंगा। आगे का काम ही देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। अभी अभी बोला आइडेंटिटी के बारे में, और यूनिवर्सल अगर देख ले तो यूनिवर्सल में तो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। अगर किसी सेट में उसके साथ अगर एक कोई सेट है तो ए क्रॉस ए का क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा हो जाएगा? जो ए क्रॉस ए का सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। समझ में आया ना? यानी कि ए क्रॉस ए का अगर सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है तो उसमें 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही ना, तो वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी हमेशा क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का फंडा उम्मीद करता हूं समझ आ गया कि ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू द सेट, सॉरी रिलेशन। समझ में आया ना? ए कॉमा ए, अगर बस इतना सा याद रखो कि रिफ्लेक्सिव चेक करना कैसे करें, स्मॉल ए अगर कैपिटल ए का कोई एलिमेंट है तो ए कोमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आर पे होना चाहिए, अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी बोलोगे सर ये देखो, वन तो एक एलिमेंट है ना ए का, तो 1, 1 आर पे है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब ए मतलब सारे एलिमेंट ऑफ ए की बात कर रहा हूं, ये जो स्मॉल ए है ना वो एट ए टाइम तो एक एलिमेंट ले रहा है, बट आर्बिट्ररी देखने का मतलब क्या है कि कैपिटल ए का सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया ना? फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं ये काफी आप समझ गए होंगे। अगले और बढ़ते हैं, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। देख सिमेट्रिक क्या है? ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन इज सेट ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब कि एक रिलेशन को अपन सिमेट्रिक रिलेशन तभी कहेंगे जब ए कोमा बी अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो बी कोमा ए होना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब बात समझेंगे, मैं बोल रहा हूं बार बार, ए कोमा बी अगर है तब ये नाटक करेगा कि बी कोमा ए को भी होना पड़ेगा, अगर ए कोमा ए नहीं है तो क्या दिक्कत है, सॉरी ए कोमा बी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? अगर ए कोमा बी है तो उसका उल्टा होना पड़ेगा। समझ आ रहा है बात? अगर ए कोमा बी है तो उसका उल्टा होना पड़ेगा, अगर ए कोमा बी है तो उसका उल्टा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप पहले ये सर्च मारोगे ना कि क्या पता ए कोमा बी है क्या, अगर है तो बी कोमा ए ढूंढो, अगर नहीं है तो क्यों ढूंढ रहे हो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको एक रिलेशन इस टाइप के रिलेशन दिया जाता है, ऐसे तो चेक करना आता है सबको, इस टाइप के अगर दिया जाता है तो आप चेक करो कि मान लेते हैं ए कोमा बी आर पे है, मान लेते तब तो आपको पता नहीं ना ए कोमा बी आर पे है या नहीं, क्योंकि ये तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है, बस आपको रिलेशन बताया गया है क्या है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट आपको लिखना है। तो इतना बड़ा सेट है तो आप कैसे लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट, लिखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली चेक करो। कैसे चेक करोगे? ए कोमा बी चेक कर, मान लो ए कोमा बी आर पे है, दैट इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी मान लो, अभी देखो क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी अगर है तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा या नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखते हैं आगे डेफिनेशन, देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इधर नहीं है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड नहीं, याद रखिएगा। ए कोमा बी अगर आर पे है तो बी कोमा ए आर पे होना चाहिए, बस इतना सा कंडीशन। ए कोमा बी आर पे है मतलब क्या, ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू। सिमिलरली वही फंडा,
आइडेंटिटी और यूनिवर्सल, ये दोनों के दोनों वापस क्यों जाएंगे? सिमेट्रिक, क्योंकि यूनिवर्सल पे तो सब कुछ होगा, वो तो सिमेट्रिक होगा ही होगा ना, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। उसमें अगर 1,2 आ रहा है तो 2,1 भी आ जाएगा, 1,3 अगर आ रहा है तो 3,1 भी आ जाएगा, तो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा यूनिवर्सल। और आइडेंटिटी में क्या है? आइडेंटिटी में तो वो सेम सेम वाले ऑर्डर पेयर के अलावा तो और कुछ होगा ही नहीं ना, दैट इज 1,1, 2,2, 3,3 के अलावा तो यहाँ पे और कोई होगा ही नहीं आइडेंटिटी में। तो 1,1 अगर है तो उसका उल्टा होना चाहिए, उसका उल्टा कौन है भाई, 1,1 ही तो है और वो तो रिलेशन में प्रेजेंट है, तो क्या दिक्कत है? 2,2 अगर है तो उसका उल्टा 2,2 होना चाहिए, वो तो है नहीं, इसीलिए आइडेंटिटी यूनिवर्सल दोनों के दोनों वापस अपन क्या बोलते हैं, उन दोनों को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सेट है और ये एक रिलेशन लिखा गया, मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, मैं क्या बोलूंगा कि मैंने कोई ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ये अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए चल रही है ना, मैं देखूंगा 1,1 है, 1,1 अगर है तो उसका उल्टा होना चाहिए, 1,1 का उल्टा 1,1 2 है, 2,2 का उल्टा 2,2 है, 1,3 का उल्टा कौन है, 3,1 है, 3,1 का उल्टा कौन है, 1,3 है, फिर 2,1 का उल्टा कौन है, 1,2 है, फिर 1,2 का उल्टा कौन है, 2,1। समझ में आ रहा है ना, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर को पकड़ के आप चेक करोगे क्या उसका रिवर्स प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक है, अगर ऐसा एक भी ऑर्डर पेयर आपको मिल जाता है जिसका रिवर्स प्रेजेंट नहीं है तो आप रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है, क्लियर? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल ले लिया इस पैटर्न में, समझ में आ रहा है ना, जहां पे आपको ऑर्डर पेयर फॉर्मेट नहीं दिया है, बोल रहा है कि कैपिटल ए एक सेट है जिस सेट में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस है, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस इन टू डायमेंशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस इन टू डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशन बात अलग है, 2D स्ट्रेट लाइन मतलब ये, 3D स्ट्रेट लाइन मतलब ये, पढ़ेंगे 3D में, चलो आगे देखते हैं। L भी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि एक सेट है जहां पे सिर्फ स्ट्रेट लाइंस है, R भी रिलेशन ऑन L सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू कैपिटल। अभी मुझे चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं, अगर मैं बोलूं आपको ये सिमेट्रिक है या नहीं तो आप देख सकते हो अच्छे से, क्या देखोगे आप, अब ये देखोगे कि भाई आप सोचो कि सर ने आपने तो बोला था कि अगर ऑर्डर पेयर फॉर्मेट दिया हुआ है तो अपन डायरेक्टली वो रिवर्स वाला फंडा चेक करेंगे, अगर ऑर्डर पेयर फॉर्मेट नहीं दिया है डायरेक्टली रिलेशन लिख दिया तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं A,B है और फिर अपन ये टेस्ट करेंगे क्या B,AB होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग के B,AB रिलेशन पे हो रहा है, मतलब उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं कर रहा है प्रॉब्लम हो जाएगा। देख लेते, मान लेते A,B बिलोंग्स टू L, दैट इज A इज परपेंडिकुलर टू B, भाई अगर A B के परपेंडिकुलर है दिखता है तो B जो होगा वो भी तो A के परपेंडिकुलर होगा ना, नहीं आ रहा है, A अगर B के परपेंडिकुलर है तो B A के परपेंडिकुलर नहीं होगा क्या, होगा ना भाई, ये तो कन्वर्स है, तो हम माने थे कि A,B belongs to L, that is A is perpendicular to B, और हमें मिल क्या गया कि B is also perpendicular to A, मतलब B,A belongs to L हमें मिल गया, that means A,B belongs to L implies B,L, B,A belongs to L, जो कि ये बताता है कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आप किसी भी रिलेशन का सिमेट्रिसिटी को चेक कर सकते हो, आगे कहानी में क्वेश्चन तो हम बहुत देखेंगे, ठीक है, चलो आज तो थ्योरी का क्लास है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे, चलो आगे देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देख लो क्या है, फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए, आर इज सेड टू बी a transitive relation if and only if A,B belongs to R and B,C belongs to R implies A,C belongs to R for all A,B,C belongs to A। ध्यान से समझिएगा बात को, अगर AB है और BC है, नहीं आया, अगर AB है और BC है, नाटक बढ़ गया, अगर AB है और BC है तब AC होना पड़ेगा, अगर दोनों नहीं है तो क्या जरूरत ढूंढने का, ट्रांजिटिव बोल दो, ट्रांजिटिव समझ में आ रहा है, अगर दोनों है तो तीसरे वाले को सर से मारो, अगर दोनों नहीं है तो काय सोच रहे हो, बेकार है ना सोचना, ए बी पी सी मतलब पहले ऑर्डर पेयर का आखिरी वाला और सेकंड ऑर्डर पेयर का पहले वाला, पहले का रेंज और सेकंड का डोमेन अगर मैच हो रहा है तो तीसरा वाला भी होना चाहिए, अगर दोनों नहीं है तो सोचने का जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, तो इस प्रकार से सोचना, इफ ए बी एंड बी सी बोथ बिलोंग्स टू द रिलेशन देन A,C द ऑर्डर पेयर मस्ट बिलोंग टू दैट रिलेशन, ए आर बी एंड बी आर सी इंप्लाइज ए आर सी, समझते हो। सिमिलरली यहां पे भी आइडेंटिटी और यूनिवर्सल का सेम नाटक चलेगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी क्या है 1,1, 2,2, 3,3,
यहाँ पे तो ए बी और बी सी वाला फंडा ही नहीं दिख रहा है, तो जहां पे ए बी और बी सी वाला फंडा ही नहीं दिख रहा है तो उस चीज को डायरेक्टली अपन क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ना, ए सेट में अगर मैं बोलता हूँ इसी सेट में आइडेंटिटी क्या है 1 1 2 2 3 3, तो इधर तो ए कोमा बी और बी कोमा सी वाला पैटर्न दिख ही नहीं रहा है ना। देख यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ 1 1, अभी इस 1 को इस 1 1 के साथ अगर एक और ऑर्डर पेयर पकड़ना चाहते हो तो अगला वाला पकड़ो। कौन सा पकड़ सकते हो? ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढ करके निकालो जिसका आखिरी में क्या है, जिसका पहले क्या है 1 है, क्योंकि इसका आखिरी में क्या है 1 है, तो अगला वाला ऑर्डर पेयर का पहले वाले में क्या होना पड़ेगा, वही होना पड़ेगा जो इसका आखिरी में है। तो ढूंढते 1 किसका पहले में है, ये देखो 1 1 है, 1 3 है, तो किसको होना पड़ेगा, 1 1 कैंसिल करो, 1 3 को होना पड़ेगा, है क्या? बिल्कुल है। 1 1 है, इधर 1 2 है, तो 1 1 कैंसिल हो गया, इसका आखिरी और इसका पहला कैंसिल हो गया, तो 1 2 मस्ट बिलोंग टू दैट रिलेशन और जो कि हो रहा है। फिर आते 2 2, अभी 2 इसका आखिरी है, तो 2 किसी से शुरुआत हो रहा है क्या, देख लो इसमें शुरुआत हो रहा है, तो 2 2 और 2 1 है, तो 2 1 जो है वो इसमें होना पड़ेगा, और बिल्कुल है 2 1। समझ में आ रहा है? फिर इधर देखिए 1 3 और 3 1, 1 3 तो एक और ढूंढेंगे ना जिसका शुरुआत हुआ 3 से, तो 3 1 ले लिया, तो 3 3 कैंसिल, 1 1 मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन जो कि है, ये देख 3 3 कैंसिल हुआ, 1 1 मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन जो कि हो रहा है। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 3 हो गया, 3 1 हो गया, अगर ये दोनों है तो इसको होना पड़ेगा, दैट्स द कंडीशन। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी एक ट्रांजिटिव का एग्जांपल हो गया। समझ में आ रहा है ना? बट अगर स्टेरॉफ में आइडेंटिटी का बात करूं तो 1 1 2 2 3 3 है, A कोमा B और B कोमा C वाला कंडीशन तो लग ही नहीं रहा है उस जगह पे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। अगर जहां पे कंडीशन लग ही नहीं रहा है उस जगह को डायरेक्टली आप क्या कमेंट कर दो, उसको ट्रांजिटिव बोल दो। ठीक है? तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन में तो सब कुछ हो जाएगा, अगर जिसमें सब कुछ हो जाएगा वो तो ट्रांजिटिव होगा ही ना, A कोमा B, B कोमा C भी उसमें मिलेगा और A कोमा C भी जरूर तैयार रहेगा उसमें। ठीक है? क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया तो वो तो ट्रांजिटिव होगा। याद रखना आइडेंटिटी यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, इसीलिए आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन को अपन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वही रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसी रिलेशन को बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मेरे बात समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। तो ये कहानी अपना हो गया, ठीक है? यहां तक जो है वो कहानी जो है वो कंप्लीट हो गया। चलो आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर क्या देखेंगे अपन, आगे की ओर क्या देखेंगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं आपको बोलना है। आप खुद एक बार सोचो ना, अगर एक्स डिवाइड्स वाई है, अगर आपको इसका ट्रांजिटिविटी चेक करना है, मैं थोड़ा बहुत रेस कर देता हूं ना, इधर जगह मिल जाएगा एक्सप्लेन करने का, समझा तो दिया ये बात। आप इसका ट्रांजिटिविटी अगर चेक करना चाहोगे तो आपको मैंने बोला कि ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में अगर नहीं है तो आप खुद एज्यूम कर लो, कंडीशन एज्यूम कर लो, आप मान लो कि अगर ये ट्रांजिटिव होता है तो ए कोमा बी और बी कोमा सी अगर है तो ए कोमा सी होना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मान लेता हूं और बी कोमा सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन आर मान लेता हूं। ठीक है? अगर ए कोमा बी फॉर ऑल लिखना पड़ेगा, एबीसी कहां का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर होगा, बोल के लिया ना नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए आर बी, ए इज रिलेटेड विद बी, व्हाट इज द रिलेशन, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स अगर वाई को डिवाइड करता है तो हम क्या बोलेंगे, ए डिवाइड्स बी, एंड इधर से क्या बोलेंगे, बी डिवाइड्स क्या सी। अगर a b को डिवाइड करता है तो b को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a into k1 ऐसे लिख सकते हैं। अगर a अगर b को डिवाइड करता है तो b is equal to a into k1 for all, k1 belongs to integer, लिख तो सकते हैं। और इधर से c is equal to क्या हो जाएगा, b k2 for all, k2 belongs to integer, तो c का जो वैल्यू आएगा वो b k2 होगा और b का वैल्यू यहां से क्या है, a k1, तो ये हो गया a k1 k2,
फॉर ऑल के वन कॉमा के टू बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, तो ये हो जाएगा ए के थ्री फॉर ऑल के थ्री इज इक्वल टू के वन के टू बिलोंग्स टू इंटीजर। के थ्री इंटीजर है ना, K1 और K2 अगर इंटीजर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो C is equal to A K3 मिल गया, मतलब C को अभी कौन डिवाइड करेगा, A डिवाइड करेगा, therefore क्या मिल गया, A divides C, और अगर A C को डिवाइड कर रहा है तो यहां से पूरा पूरा क्लियर है कि A कॉमा C जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, R पे बिलोंग कर रहा है, बिकॉज रिलेशन क्या है, X divides Y, अगर A divides C है तो A कॉमा C तो R को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो R पे बिलोंग कर रहा है। तो आपने assume किए थे a कॉमा b belongs to R and b कॉमा c belongs to R, और आपको ये मिल गया कि a कॉमा c belongs to R, इसका मतलब क्या है कि ये relation जो है वो क्या है, transitive relation है। समझ में आ रहा है, clear है पक्का, but ये symmetric है, क्या check करो, symmetric होने के लिए क्या करोगे, let a कॉमा b belongs to R, कोई दूसरा order पे नहीं, a कॉमा b belongs to R अगर है तो a divides b, क्या a divides b ये बताता है कि b भी also divides है, नहीं, 1 अगर 2 को डिवाइड करता है, 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, तो 4 2 को डिवाइड करेगा, नहीं ना, तो ये सिमेट्रिक होगा, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आगे देख सकते हो, x is less than y, ये भी ट्रांजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप a कॉमा b एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r मानते हो, मतलब क्या, a is less than b एंड b is less than c, तो a अगर b से छोटा है, b अगर c से छोटा है, तो a तो c से छोटा होगा ना, which implies a is less than c, which means a कॉमा c ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी बिलोंग टू द रिलेशन कैपिटल R, और जो कि ये बताता है आपको कि ये रिलेशन जो है सेकंड वाला वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में आके एक और एग्जांपल देख लो, देख लो ये दोनों तो सेम ही है, x less than y हो ही गया, इसको देख लो 1 1 है 2 2 है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 1 है 1 2 है तो 1 2 भी होना पड़ेगा, है बिल्कुल, वैसे ये तो सेम एग्जांपल हो गया, फिर हम क्या देखेंगे, 1 2 के बाद 2 से शुरू होने वाला, देखो 1 2 अगर है और 2 से शुरू होने वाला ये आपको मिल रहा है, 2 3 है, तो इसको होना पड़ेगा 1 3, ये देखो 1 3 है, समझ में आया, अभी देखो 2 3 को अगर लेते हैं तो 3 से शुरू होने वाला कोई है क्या, 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो सोचने का जरूरत नहीं, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई, अभी इधर भी 3 से शुरू होने वाला चाहिए अगर इसको पिक करते पहला, और अगर इसको पिक करते पहला तो 4 से शुरू होने वाला चाहिए जो एक ही मिल रहा है, तो 1 4 बिलोंग्स टू दैट and 4 2 belongs to that, अगर 1 4 और 4 2 है तो 4 4 cancel कौन आएगा, 1 2 आएगा जो कि already है, तो ये relation जो होगा वो भी क्या बन जाएगा, एक transitive relation बन जाएगा। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे दे देता हूँ ना कि R एक relation है इस set में, 1 2 3 set में R एक relation है जिसके अंदर से 1 3 है, तो भी इसको हम transitive बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है ना, ये condition satisfy करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंडीशन जहां पे लग रहा है उस जगह पे तीसरा वाला होना चाहिए, जहां पे यही नहीं लग रहा है वो सारे के सारे ट्रांजिटिव आप बोलोगे, समझ में आ रहा है, इसीलिए तो आइडेंटिटी भी ट्रांजिटिव हो रहा है। अगला देखो, एक और आपको रिलेशन डायरेक्ट दिया, ऑर्डर पेयर नहीं दिया, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, और रिलेशन है इज पैरेलल टू, मतलब क्या, अगर इस सेट से मैं दो ऑर्डर पेयर पिक करता हूं, एक ए कॉमा बी और दूसरा बी कॉमा सी, इफ आई कंसिडर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बोथ बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, then it implies a is parallel to b, a comma b belongs to r का मतलब क्या है, a is parallel to b, b comma c belongs to r का मतलब क्या है, b is parallel to c, तो a is parallel to c b and b is parallel to c, a is parallel to b and b is parallel to c, which implies a is also parallel to c, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, अगर a एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरा लाइन तीसरे के पैरेलल है तो पहला और तीसरा भी पैरेलल होगा, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि a कॉमा c आल्सो बिलोंग्स टू a कॉमा c बिलोंग्स टू r, अगर a कॉमा c बिलोंग्स टू r हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है पक्का, तो इस प्रकार से ये सारे कहानी को अपन समझ सकते हैं, ठीक है ना, और ये बता देता हूं कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाई करता है उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाई करता है उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अभी और आखिरी एक और बाकी है आपका एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, चलो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या है देख लेते हैं, है ना, फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए, आर इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा बी ए बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी,
अगर ए कॉमा बी आर पे है और बी कॉमा ए बी आर पे है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए, ठीक है। ए बी और बी अगर दोनों आर पे है तो ए और बी दोनों के दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, पहले चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। x कॉमा y बिलोंग्स टू आर, x डिवाइड्स y, ठीक है, फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू नेचर, ये एंटीसिमेट्रिक है, सोचने कोशिश करो, कंफ्यूज मत करना, ये सिमेट्रिक नहीं है बट एंटीसिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं a कॉमा b बिलोंग्स टू r तो b कॉमा a को बिलोंग्स टू r होगा नहीं, व्हिच मींस दिस इज नॉट सिमेट्रिक। बट अगर मैं बोलता हूं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r, मतलब x y को डिवाइड कर रहा है और y भी x को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे कब पॉसिबल होगा, सोचो ना। एंटीसिमेट्रिक का कंडीशन देखो, कंडीशन ये है a कॉमा b और b कॉमा a दोनों को r पे मानना पड़ेगा आपको, लेट अस अज्यूम a कॉमा b एंड b कॉमा a बोथ बिलोंग्स टू r, मींस a b को डिवाइड कर रहा है और b भी a को डिवाइड कर रहा है, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब दोनों के दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल होगा ही नहीं। 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को डिवाइड कर रहा है, वो सही है, बट 2 4 को कर रहा है, 4 2 को कर रहा है, अगर ऐसे मानते हैं तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज 2 और 4 अनइक्वल है, स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि a कॉमा b और b कॉमा a दोनों अगर r पे होता है तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि a और b इक्वल होगा, व्हिच मींस द रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। अगला अगर देखते हैं कि x less than equal to y, अभी अगर मैं बोलूं a कॉमा b एंड b कॉमा a बोथ बिलोंग टू r, कंसीडर अगर कर लेता हूं तो क्या मिलेगा यहां से, a less than equal to b एंड b less than equal to a, तो इसका मतलब क्या निकलता है बोलो ना, a less than equal to b एंड b less than equal to a, तो यहां से एक ही कंक्लूजन निकलता है ना कि a is equal to b is the only possibility, because a less than b और b less than a दोनों ट्रू हो सकता है क्या, बोले कभी नहीं हो सकता है, a less than b और b less than a दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि a is equal to b और b is equal to a, that is a and b are equal। तो अगर हम a कॉमा b और b कॉमा a को r पे मान रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है कि a is equal to b, which implies the relation is antisymmetric, that's it, समझ में आ रहा है, क्लियर। अभी आगे बताता है आपको आइडेंटिटी और यूनिवर्सल जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो क्या है, एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है। आइडेंटिटी एंटीसिमेट्रिक क्यों होगा, क्यों सोचो ना, 1,1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, 1,1 का रिवर्स 1,1 ही है और 1 इक्वल टू 1 भी है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 2,2 भी हो रहा है, 3,3 भी हो रहा है, ठीक है, और उसके अलावा तो आइडेंटिटी में कुछ होगा नहीं, बट यूनिवर्सल एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल में सब कुछ आएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, समझ में आ रहा है, 1,2 भी आएगा, यूनिवर्सल सिमेट्रिक तो होना पड़ेगा ना, तो 1,2 भी आएगा, अगर मैं एक सेट मान लेता हूं 1,2,3, मान लो ना 1,2,3 मान लिया सेट, उसका अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन लिखूं तो सब कुछ आएगा, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स विल प्रेजेंट इन दैट रिलेशन, समझ में आया ना, तो 1,2 भी आएगा उसमें और 2,1 भी आएगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि 1,2 आने से 2,1 आना ही पड़ेगा ना, तभी तो ये सिमेट्रिक होगा, और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है, आप जानते हो थोड़ी देर पहले पढ़े हो, तो 1,2 आने से 2,1 को तो आना ही पड़ेगा रिलेशन में, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, समझ में आ रहा है ना, यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक है और सारे ऑर्डर पेयर को कंटेन कर रहा है, तो 1,2,2,1 दोनों को आना पड़ेगा, बट क्या 1 और 2 इक्वल होता है, नहीं होता है ना, तो अगर किसी ने बोला कि 1,2 and 2,1 बिलोंग्स टू आर, तब 1 नॉट इक्वल टू 2 मिल गया, मतलब a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a नॉट इक्वल टू b, तो क्या a नॉट इक्वल टू b मिलने से एंटीसिमेट्रिक का पहचान हुआ, नहीं हुआ, इसीलिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या नहीं है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है, बट आइडेंटिटी चारों के चारों, पांचों के पांचों होगा, समझ में आया ना, आइडेंटिटी रिलेशन पांचों के पांचों होता है, यूनिवर्सल ये चार होता है बट एंटीसिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया टाइप्स ऑफ रिलेशन, अभी हम कुछ बेसिक थ्योरम इक्विवेलेंस क्लास वगैरह वो सब समझेंगे और उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, आज तो मंडे है, कल के लेक्चर में अपन अपना वो चीज करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस पर पूरा फोकस करेंगे, पूरा शीट को एक एक क्वेश्चन करके दूंगा, ठीक है, तो देखते हैं, चलो तो चलो देख लेते अभी एक आध थ्योरम है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर आता है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बोलता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ऑन द सेट, एक सेट के ऊपर दो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर मैं डिफाइन करता हूं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेके, तो वो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन जो आएगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उसी सेट को, वो आपको प्रूव करना है, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि लेट आर एन एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए, आर और एस पहले से इक्विवेलेंस है बोल के दिया है, तो आपको प्रूफ करना है आर इंटरसेक्शन एस जो होगा वो भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इंटरसेक्शन तो डिफाइंड होगा बिकॉज ए सेट तो है ही, है ना। चलो आर इंटरसेक्शन एस फोर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आपको एक रिलेशन तो प्रूफ करना पड़ेगा उसी सेट के अंदर, तब ना जाके इक्विवेलेंस प्रूफ करोगे। तो R अगर A क्रॉस A का सबसेट है, S भी अगर A क्रॉस A का सबसेट है, तो R इंटरसेक्शन S भी A क्रॉस A का सबसेट होगा, ये दिखाना पड़ेगा, इसमें एक मार्क है। Implies R इंटरसेक्शन S is also a relation on set A। अभी हम प्रूफ करेंगे कि वो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। तो करते चलो, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, लेट A be an arbitrary element of capital A। तो A अगर belongs to capital A है, तो A कोमा A R पे होगा और A कोमा A S पे भी होगा। बोले क्यों सर, क्योंकि R और S तो पहले से equivalence है, मतलब R और S जो होगा वो reflexive भी होगा, symmetric भी होगा, transitive भी होगा। तो R और S अगर reflexive है, तो R और S reflexivity का condition को satisfy करेगा, जो कि है कि A अगर A पे होता है, तो A कोमा A R पे है, ये हो गया R का reflexivity, ये हो गया S का reflexivity, ठीक है। तो A कोमा A अगर R पे है और S पे है, दोनों जगह पे है, तो A कोमा A R इंटरसेक्शन S पे भी होगा। तो क्या प्रूफ हो गया यहां से, दस A कोमा A belongs to R इंटरसेक्शन S for all A belongs to capital A, so R इंटरसेक्शन S is a reflexive relation। सिंपल सा चीज प्रूफ हो गया। सिमेट्रिसिटी पे बात करते हैं, लेट A कोमा B belongs to capital A such that, पहले हम कंसीडर करते हैं, याद है ना आपको, A कॉमा B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, ये हमने एज्यूम किया, और ये एज्यूम करके अगर हम ये प्रूफ कर देते कि B इंटरसेक्शन B कॉमा A जो है वो भी R इंटरसेक्शन S पे होगा, तक बात बन जाएगा। तो A कॉमा B अगर इस पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A कॉमा B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, मतलब कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू S। तो A कॉमा B अगर R पे है, तो B कॉमा A भी तो R पे होगा ना, बिकॉज़ R इज सिमेट्रिक आल्सो, R तो इक्विवेलेंस है, इधर भी वही चीज चलेगा, मैंने ब्रैकेट में लिखा R एंड S आर सिमेट्रिक। तो B कॉमा A अगर R पे भी है और B कॉमा A अगर S पे भी है, तो B कॉमा A किसमें होगा, R इंटरसेक्शन S में भी होगा। Thus A कॉमा B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, जो हमने कंसीडर किया था वो ये इंप्लाई कर रहा है कि B कॉमा A भी R इंटरसेक्शन S पे है, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक। सिमिलरली ट्रांसिटिविटी प्रूफ करने के लिए आपको दो ऑर्डर पेयर कंसीडर करना पड़ता है, A कॉमा B एंड B कॉमा C। तब A कॉमा B इसमें है, B कॉमा C इसमें है, A कॉमा B अगर इसमें है, तो A कॉमा B R पे है और S पे भी है, B कॉमा C भी R पे भी होगा और S पे भी होगा। अभी R R वाला एक ब्रैकेट में घुसा दिया और S S वाला अलग कर दिया। तो A कॉमा B अगर R पे है और B कॉमा C अगर R पे है, तो A कॉमा C भी R पे होगा। बोलो क्यों, क्योंकि R जो है वो ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि R तो इक्विवेलेंस था ना, इसीलिए A कॉमा C बिलोंग्स टू R और यहां पे A कॉमा C बिलोंग्स टू S लिखा। तो A कॉमा C जो हो गया वो किस में हो गया, R इंटरसेक्शन S में हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया कि A कॉमा B और एक B कॉमा C को हमने R इंटरसेक्शन S पे माना था, और हमें ये मिल गया कि A कॉमा C R इंटरसेक्शन S पे है, मतलब R इंटरसेक्शन S ट्रांजिटिव भी हो गया, हेंस ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने के साथ साथ एक रिलेशन भी था पहले ही, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया उसी सेट में। इस बात को और से ध्यान देना, ऑन सेट A, ऑन सेट A के प्रूफ करने के लिए ही हमें ये पार्ट पहले करना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये चीज प्रूफ कर दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट, ठीक है, पक्का याद रहेगा। बट ये चीज साथो साथ आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट, बट यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन मे और मे नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तो पूछ चुका है और ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा है, आपको बोल देगा क्या यूनियन ऑफ टू रिलेशन, इस प्रकार से 4 मार्क का क्वेश्चन बना देगा बोर्ड एग्जाम में, क्या यूनियन ऑफ टू रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, आप बोलोगे नहीं, मैंडेटरी नहीं है, अगर बोलोगे अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दो, आप बोलोगे नहीं है फिर आपको 2 मार्क का एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा 2+2=4, या फिर 1 मार्क का भी पूछ सकता है कि शो बाय एन एग्जाम्पल दैट यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन मे और मे नॉट बी इक्विवेलेंस, तब आप ये रिलेशन एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो ए एक सेट मानो, A क्रॉस A आपको 9 एलिमेंट मिलेगा, उसमें से कुछ एलिमेंट उठा करके ऑर्डर पेयर उठा करके मैंने 2 रिलेशन बनाया, A A B B C C, A B B A, तो A A B B C C अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, A B और B A अगर हो गया और ये सारे का उल्टा तो यही खुद है, तो ये सिमेट्रिक भी बन गया। और गौर से देखो A कॉमा B और B कॉमा A अगर है तो A कॉमा A भी होना पड़ेगा, जो कि है, तो ये
ट्रांजिटिविटी हो गया, मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने कंसीडर किया है जो कि करना था, एस को भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिया है, बट आर यूनियन एस मैंने जब भी निकाला उसमें आ रहा है क्या ए बी बी ए बी सी सी बी और ए ए बी बी सी सी, ये दोनों का यूनियन है, क्या ये इक्विवेलेंस है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं। देखो ए बी है बी सी है तो बी बी कैंसिल, किसको होना चाहिए था? ए सी को होना चाहिए था, क्या ए सी है? क्या ए सी जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है? नहीं, वो आर यूनियन एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, उसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर ट्रांजिटिव नहीं होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसे एग्जांपल भी आप बना सकते हो कि जहां पे आर यूनियन एस इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बट यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन मे और मे नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और इसी के साथ साथ हमारा ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो। अभी इसी के ऊपर बेस करके इस चैप्टर में ना दो ही थ्योरम आता है, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन मैंने आपको ये पढ़ा नहीं क्योंकि ये पार्ट वन का चीजें शायद में लिखा हुआ मिलेगा, शायद क्या बोल रहा हूं, रिलेशन का शीट में पार्ट वन में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है आप देख लेना। इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हो तो इनवर्स रिलेशन क्या होगा, रिलेशन जो है ऑर्डर पेयर सारे के सारे घूम जाएंगे, मतलब एक रिलेशन में अगर ऑर्डर पेयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो उसका इनवर्स में क्या हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 6, 5 ऑर्डर पेयर घूम जाएगा, मतलब डोमेन को रेंज बन जाएगा और रेंज डोमेन बन जाएगा, वही है इनवर्स रिलेशन। तो बोलता है कि अगर एक रिलेशन आर इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स रिलेशन जो होगा वो भी इक्विवेलेंस होगा। ये एक और थ्योरम है जो कि सेम चीज है, सेम चीज सेम आपको पहले आर इनवर्स को, अभी आर इंटरसेक्शन एस को आपने वो पहले रिलेशन प्रूफ किए थे तो तब आप आर इनवर्स को रिलेशन प्रूफ करोगे, फिर आर इनवर्स को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करोगे और वो भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। सेम चीज शिफ्ट में किया हुआ है, देख लेना, एज इट इज सिर्फ आर और एस के जगह पर आर इनवर्स आ गया। तो ये मैं और दोबारा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप देख लीजिएगा एज इट इज समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना, सेम टू सेम चीज है। समझ में आ रहा है? जो लोग टेंथ में किए हैं वो करके आगे तो मुझे मिल गया, ठीक है। तो आप ध्यान से इस चीज को समझ सकते हो, है ना, कि अगर एक रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा, और अगर दो रिलेशन किसी सेट में इक्विवेलेंस है तो उनका इंटरसेक्शन भी उसी सेट में इक्विवेलेंस होगा, बट यूनियन नहीं होना मेरा भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये फंडा जो है वो कंप्लीट हुआ, है ना। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, अगर नंबर थ्योरी टेंथ में पढ़े हो तब तो सीख गए, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए बता देता हूँ, रिलेशन का क्वेश्चन में ना एक चीज कभी कभी पूछा जाता है, ये चीज ठीक है ना, अगले दिन हम करेंगे इस चीज को। देखो इस चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, इसका मतलब क्या है ना कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, एक रिलेशन दे दिया जाता है आपको इस प्रकार से, किसी किसी क्वेश्चन में देख सकते हो आप। तो इस चीज का मतलब पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता वो बता देता हूं, ये माइनस इसका मतलब है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय ए, जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 25 मॉडुलो, इसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 25 कॉन्ग्रुएंस 7 मॉडुलो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 7 किससे डिविजिबल होगा, डेफिनेटली 3 से होगा, 6 से होगा, 3 हो या फिर 6 हो, कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं मॉडुलो 6। समझ में आ रहा है ना, बस इस चीज का मतलब पता होना चाहिए, ये रिलेशन जो है ये क्या हो जाता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि देख ए, अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो ए कॉमा ए को बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा, जो कि है, बिकॉज इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन ए मॉडुलो ए कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉडुलो एम होना पड़ेगा, मतलब ए माइनस ए जीरो, और जीरो को तो कोई भी चीज डिवाइड करता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। फिर सिमेट्रिसिटी करेंगे अगले दिन में, क्वेश्चन करा के होगा सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में क्या है, सिमेट्रिसिटी में ये ध्यान देना होगा कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन पे है तो बी कॉमा ए भी होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ए कॉमा बी है, मतलब लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, दैट इज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, तो बी माइनस ए भी क्या होना पड़ेगा, अरे भाई 5 अगर 5 को अगर एन डिवाइड कर रहा है तो माइनस 5 को भी तो करेगा ना भाई, तो बी माइनस ए आल्सो डिविजिबल बाय एन, मतलब बी कॉन्ग्रुएंस टू एन मॉडुलो एन भी हो गया, मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई एन होता है, b माइनस सी डिविजिबल बाई एन होता है, दोनों को सम कर दोगे तो a माइनस सी भी डिविजिबल बाई एन होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। इस प्रकार से ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अभी तक तो पूछा नहीं है बट पूछे जा सकते हैं, उसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस चीज का मतलब शीट में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, एक नोट फॉर्म में दे दिया मैंने, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में शीट पर करा के लेंगे।
अभी हमारा लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का, उस चीज को थोड़ा बहुत देख लेते हैं और चैप्टर का थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट करते हैं।